अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आपके रवील अहमद बेटा, एक कंपनीज अकाउंट का क्वेश्चन है ओ लेवल का। ये क्लास में बहुत से बच्चों की फरमाइश आ रही थी कि सर कंपनी अकाउंट पे कोई वीडियो बना दे। हमने कहा चले बना देते हैं। तो क्वेश्चन हमने क्लास में बड़ा अच्छे खासे प्रैक्टिस किए, तो कोई शक नहीं, लेकिन चले बच्चों की फरमाइश पे एक वीडियो भी बना देते। हमने कहा ए में कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 17। अच्छा, सम टाइम वो ये भी करता है कि खुद ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट दे देता है। इस सवाल में नहीं दिया, लेकिन हमें फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ तो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बना लेंगे। चलिए जी, पहले इसी पे बात कर लेते। बी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स एट 30 अप्रैल 17। ओके, रिटेन प्रॉफिट। अब रिटेन प्रॉफिट की बेटा डेट देखें 1 मई 16 और आपका ईयर एंड 30 अप्रैल 17 है। आपका ईयर एंड जो है 30 अप्रैल 17 है और एग्जामिनर आपको रिटेन प्रॉफिट दे रहा है 1 मई 16 का। इसका मतलब है एग्जामिनर आपको ये ओपनिंग बैलेंस दे रहा है। एग्जामिनर बेटा आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहा है रिटेन अर्निंग का, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो स्टार्ट होती है ओपनिंग बैलेंसेस से ही स्टार्ट होती है। जनरल रिजर्व्स की डेट देखें, इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया जा रहा है। डिबेंचर्स वो कह रहे हैं रीपेबल है 30 जून 2020। हमारा ईयर एंड 30 अप्रैल 17 है और ये रीपेबल है 30 जून 2020 को। इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। बाय लुकिंग एट दिस डेट, इशूड शेयर कैपिटल है 2 लाख। ये इशूड शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 200,000। अगेन अगर आप डेट देखें 30 अप्रैल 17 जो कि ईयर एंड है, एग्जामिनर उस डेट को आपको एक शेयर कैपिटल दे रहा है। इसका मतलब है बेटा एग्जामिनर आपको ये क्लोजिंग शेयर कैपिटल दे रहा है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने कोई शेयर इशू किए, उसे में क्लोजिंग उसकी वजह से जो ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने जो शेयर इशू किए उसकी वजह से जो शेयर कैपिटल आया है उसे आप क्लोजिंग में से माइनस करेंगे तो ओपनिंग आएगा। इंटरिम डिविडेंड पे किया है 10,000 और इस साल का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो 90,000। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्जामिनर दे रहा है आपको, ऑन 1 मई 16 एन एडिशनल 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स $1 ईच हैड बीन इशूड। इसका मतलब है इस साल हमने शेयर्स इशू करके 50,000 का बेसिकली क्या किया, शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुआ वो इस साल इंक्रीज हुआ, क्योंकि इस साल आपने 50,000 मजीद शेयर्स इशू किए। पार वैल्यू 1 है। हम क्लास में बेटा ये चीज भी देख चुके हैं, अगर आप रिकॉल करें पार वैल्यू 0.5 हो तो क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको पार वैल्यू $1 दे रहा होता है, बट वी हैव डिस्कस इन द क्लास के पार वैल्यू 0.5 होगी तो क्या हो, यार यहाँ पे 1 है। तो 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इनटू $1, इट मींस शेयर कैपिटल आएगा 50,000। तो ड्यूरिंग द ईयर बेटा इस साल कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए जिसकी वजह से शेयर कैपिटल में 50,000 का इस साल इंक्रीज आया। क्लोजिंग शेयर कैपिटल में से इस साल जो शेयर कैपिटल का राइज आया है, इस साल जो शेयर कैपिटल का इंक्रीज आया है 50,000 का, उसको आप माइनस करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा 150। रिपीट करो, इस साल आपने 50,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए, पार वैल्यू 1 है, तो इस साल जो शेयर कैपिटल में इंक्रीज आया ना इस साल वो 50,000 है, उसे क्लोजिंग में से माइनस करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा 200,000 में से 50,000 का शेयर कैपिटल, जो कि 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू पार वैल्यू $1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है, इसे बेटा 200 में से माइनस करेंगे तो ओपनिंग शेयर कैपिटल 150 आ जाएगा। अच्छा, 30 अप्रैल 17 वो कह रहा है भाई डायरेक्टर्स ये बोल रहे हैं ट्रांसफर्ड 50,000 टू जनरल रिजर्व। इस साल आपने जो भी कमाया उसमें से 50 तो आप जनरल रिजर्व में ले जाए और पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड 0.10 पर शेयर। तो ठीक है जी, सिंपली बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट की बात करेंगे तो कंपनी का नाम भी ले लें बी लिमिटेड,
डिलिमिटेड आ गया बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड होती स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ईयर एंडेड होती है बेटा हम एक शेयर कैपिटल का कॉलम बना लेंगे, जनरल रिजर्व का बना लेंगे और रिटेन एंड, ठीक है जी। शेयर कैपिटल, ठीक है। क्लास में बेटा अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको शेयर प्रीमियम का भी कॉन्सेप्ट दिया था, आता नहीं एक अलग बात है, लेकिन मैंने क्लास में उसका भी कॉन्सेप्ट दिया आपको। तो बेटा हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, जर्नल रिजर्व्स आ जाएंगे, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स का एक कॉलम आ जाता है, रिटेन प्रॉफिट्स और फाइनल टोटल, सब कुछ डॉलर्स में, तो डॉलर की साइन ले ली। बेटा आपकी जो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी स्टार्ट होगी वो बेसिकली किससे स्टार्ट होगी, ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, हमारा ईयर एंड 30th अप्रैल है, तो ओपनिंग बैलेंस की डेट फिर बन 30th अप्रैल 17 है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा 1st May 16 को, तो आप बैलेंसेस ले लेंगे एट 1st May 16। अब बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 200,000 है, शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 200,000 है, इसमें से अगर आप 50,000 माइनस करेंगे, इस शेयर कैपिटल में से आप 50 माइनस करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस 150 आएगा। तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल का बेटा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 150 आ रहा है, जनरल रिजर्व्स का बैलेंस उन्होंने आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 75,000, रिटेन प्रॉफिट कह लें, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी आपको दे रखा है इन्होंने 410। अब बेटा कैलकुलेटर जल्दी से यूज कर लेते हैं, 150 प्लस 75 प्लस 410 गिव्स मी 6,35,000। ये तो बेटा हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए, अब चेक कर लें ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पहले पॉइंट में कहता है कि जी ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर्स इशू किए 50,000, पार वैल्यू 1 है, तो इशू शेयर्स हमने 50,000 शेयर्स इशू किए, पार वैल्यू $1 थी, इससे आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा और टोटल के कॉलम में भी इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है जी। अब बेटा क्वेश्चन में अगर आप देखें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने आपको दिया 90,000, क्योंकि पहले हम प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखते हैं उसके बाद डिविडेंड वगैरह माइनस करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 90,000 ले लिया, रिटेन प्रॉफिट का कॉलम बढ़ेगा और टोटल का कॉलम भी इससे इंक्रीज होगा। ओके, अब बेटा क्वेश्चन में जरा बात कर लेते हैं रसीद क्या है। इसके बाद अगर आप देखें तो वो कह रहा है भाई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 50,000 कहां लेके चले हैं, जनरल रिजर्व में लेके चले हैं, ले जाते हैं 50,000 आप कहां ले जाओ, जनरल रिजर्व आ जाए जी, 50,000 हम ले जाते हैं जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। तो बेटा आपका रिटेन प्रॉफिट कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, आपका रिटेन प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपके जनरल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाए, ठीक हो गया जी।
मस्जिद देख लेता बेटा, इंटरिम डिविडेंड दिया इन्होंने 10,000 तो लेस कर देता। डिविडेंड पेड ले लेंगे जी, कौन सा वाला डिविडेंड है जी, इंटरिम में 10,000 रिटेन प्रॉफिट का कॉलम कम होगा टोटल में से भी, ये चीज लेस हो जाएगी। वापस है जी क्वेश्चन, अब वो कह रहे हैं पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड 0.10 पर शेयर, आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर 200,000 इंटू 0.10 आपको ये फाइनल डिविडेंड दे देगा 20,000, हमने मजीद 20,000 का डिविडेंड दिया, ठीक है जी। अगर बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो ऑलरेडी जो इंटरिम पे कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल पूरे साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है फॉर एग्जांपल 10,000, आप ऑलरेडी अगर 2,000 इंटरिम पे कर चुके हो तो फाइनल के नाम पे मजीद 8,000 आता, क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो एक फिक्स अमाउंट होता है। ऑर्डिनरी में ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर ने इंटरिम दिया इंटरिम माइनस करेंगे, एग्जामिनर फाइनल कह रहा है तो पूरा फाइनल माइनस होगा। ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है हमने क्लास में बहुत तमीज से डिस्कस किया है, फाइनल डिविडेंड जो जो डिविडेंड पे किया ये फाइनल है अमाउंट आ रहा था 20,000। ठीक हो गया जी, अब बेटा बैलेंसेस ले लो, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस आ जाएंगे जी हमारे पास एट 30th April 2017, बेटा शेयर कैपिटल आ जाएगा 200,000, जनरल रिजर्व 125। बेटा यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटर माजरत के साथ यूज करना पड़ेगा, 410 प्लस 90 प्लस सॉरी माइनस 50 माइनस 30 420 आ रहा है जी रिटेन, और टोटल जो आएगा बेटा वो भी देख लेते हैं, टोटल 420 प्लस 125 प्लस 400 745 आ रहा है जी टोटल। ये हो गया बेटा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है जी, देख लें वैल्यू थोड़ा सा जूम इन आउट करते हैं ताकि वैल्यूज आपको नजर आ सके जी, आई होप कि अब ये सारी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं बहुत कमी से। अच्छा बेटा बी में क्या कह रहा है, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द इक्विटी बता दें, रिजर्व बता दें, नॉन करेंट लायबिलिटीज बता दें, बी लिमिट आपको बेटा सिंपली इक्विटी और रिजर्व इक्विटी बताने हैं, उसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, जनरल रिजर्व रिटेन प्रॉफिट बता दें। अच्छा जी इसके अलावा कह रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज बता दें, तो बता देते हैं पार्ट बी पे चलते हैं। बी लिमिटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जो कि एज एट होती है किसी एक दिन, एज एट 30th April 2017 इक्विटी एंड रिजर्व ले लेंगे बेटा, चाहे तो दो कॉलम्स बना लें, क्लोजिंग शेयर कैपिटल लेंगे जो कि 200,000 है क्लोजिंग शेयर कैपिटल, क्लोजिंग शेयर कैपिटल, और ये क्लोजिंग शेयर कैपिटल का अमाउंट आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में से उठा लें, इनफैक्ट इक्विटी के सारे बैलेंसेस हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से ही लेंगे। अच्छा जी आपके पास आ गए जी ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है हमारे पास 200,000 बेटा, जनरल रिजर्व्स ले लेंगे,
जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से ले लें आप 1,25,000, रिटेन प्रॉफिट भी बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से लेंगे विच इज 4,20,000। तो बेटा 125 प्लस 420 ये मिल जाएगा आपको 545। ऑब्वियसली इक्विटी का टोटल 745 ही आएगा। अब एग्जामिनर आपसे टोटल इक्विटी के बाद कह रहा है मुझे क्या बता दो नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज बता देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज अगर आप क्वेश्चन में देखें तो नॉन करंट लायबिलिटी शायद एक ही है। डिबेंचर्स हैं जी हमारे पास जो कि 30 जून 2020 में आपने पे करना और आज की डेट 30 अप्रैल 2017, तो डेफिनेटली डिबेंचर आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी। बड़े डिबेंचर्स उसने आपको दे दिए 80,000। बेटा इक्विटी प्लस डिबेंचर बेटा 745 में 80 को ऐड कर देंगे तो 825 आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली बेटा डिबेंचर्स को हमने ऐड कर दिया तो 825 आ जाए। अक्सर अगर आप देखें तो कंपनीज अकाउंट में मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा नहीं वो ज्यादातर आपसे एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट ही मांग रहा होता है, लेकिन वो कंप्लीट एसओएफपी भी मांग चुका है और एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट भी बनवा चुका है आपसे। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें बेटा अब इस तरह की रिक्वायरमेंट हमने क्लास में बहुत दफा डिस्कस की, एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बेटा आपको वोटिंग राइट्स देता है, प्रेफरेंस शेयर्स आपको वोटिंग राइट्स नहीं देता। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड वेरिएबल होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड फिक्स होता है। वो कह रहा है स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई डायरेक्टर वी लिमिटेड ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व। अब बेटा इस तरह की बातें भी हम बहुत दफा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल रिजर्व क्यों क्रिएट करने होते हैं। देखिए जनरल रिजर्व को क्रिएट करने की बहुत सी रीजन है। एक रीजन ये है कि कॉन्टीजेंसीज को मीट करने के लिए हम जनरल रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। एक और रीजन हो सकती है फ्यूचर में हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए हमने जनरल रिजर्व क्रिएट कर लिए। एक और रीजन भी हो सकता है अल्लाह ना करे कंपनी के पास पैसे ही नहीं है डिविडेंड देने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जनरल रिजर्व में से उठा के हम डिविडेंड दे देंगे। और जनरल रिजर्व आप जिसके पास जितने ज्यादा हैं वो डेफिनेटली आपके बिजनेस की आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन उतनी अच्छी होगी। तो बेटा पार्ट सी और डीजेसी बातें तो बहुत दफा क्लास में कर चुके हैं, इनफैक्ट इस तरह के सवाल भी हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन सिंस आप बच्चों की तरफ से बार बार आ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दें आप, तो हमने अपने क्लास के बच्चों के चक्कर में वीडियो बनाई। तो ये वीडियो बेटा हम यूट्यूब पे डाल लें। अगर आप में से जो भी बच्चा यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, हो सकता है दूसरों को इससे कोई फायदा हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।